हेलो फ्रेंड्स, हम डॉक्टर बलराम और इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपग्रेड से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत से बच्चों पे अपग्रेडेशन करते नहीं बन रहा है तो कैसे अपग्रेड करना है। जैसे कि आज लास्ट डेट है, आज जिन बच्चों को अपग्रेड करना है तो कर सकते हैं, कल से अपग्रेड नहीं होगा। तो जिन बच्चों को अपग्रेड करना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें कैसे अपग्रेड करना है, और जिनने कर लिया वो भी देखें कि गलत तो नहीं कर दिया, कैसे किया है। तो इस वीडियो में आप बने रहें। तो आपको लॉगिन करना है, अपना जो आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करेंगे एमपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर आके, और यहाँ पे जो भी पासवर्ड वगैरह है सब डालना है। फिर आप देख पाएंगे, नीचे जाके हम देखेंगे तो दो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, अलॉटेड कॉलेज, इनको अलॉट हुआ है स्कूल ऑफ आयुर्वेदा एंड सिद्धा सीहोर आयुर्वेदिक, तो सीहोर का कॉलेज अलॉट हुआ है। तो हम इसमें आप सिलेक्ट योर चॉइस देख पा रहे होंगे, तो इसमें देख पा रहे होंगे प्लीज़ सेलेक्ट योर चॉइस रिगार्डिंग द अलॉटेड कॉलेज, तो यस आई एम सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड कॉलेज। तो इसमें अगर आप ये टिक करते हैं तो आपका ये माना जाएगा कि आपको जो कॉलेज मिला है उससे सेटिस्फाई हैं, आप तसल्ली है उस कॉलेज से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आपको अपग्रेड सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना है तो नीचे वाला जो हम देखने वाले हैं, नो आई वुड लाइक टू गो फॉर अपग्रेड, तो अपग्रेडेशन के लिए अगर आपको जाना है फिर से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है अच्छे कॉलेज के लिए, तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसमें आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने बेहतर विकल्प अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया उन्हें अगले चरण में नवीन चॉइस फिलिंग व लॉकिंग करने का अनिवार्य होगा। तो ये अगर नीचे वाला ऑप्शन आप सबमिट करेंगे तो उसके लिए आपको फर्दर जो अगला राउंड होगा सेकेंड राउंड उसमें चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो ऐसे आपको सिंपली ऐसे अलॉट जो अपग्रेडेशन था करना था, तो एक बच्चे पर नहीं बन रहा तो मैंने ये करके बताया, और जिन पर नहीं बन रहा है तो वो भी कर सकते हैं देख के। तो हमें अपग्रेडेशन पर क्लिक कर देना है सिंपली।